हेलो फ्रेंड्स, कलरफुल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम ये सुंदर सा बैग बनाएंगे। इसमें मैंने फोम और लाइनिंग का यूज़ नहीं किया है, बहुत आसान तरीके से बैग बन गया है। तो चलिए इस बैग को बनाना स्टार्ट करते हैं। बैग के लिए मैंने कॉटन का कपड़ा लिया है। कपड़े की चौड़ाई लगभग 17 इंच है। कपड़े की लंबाई लगभग 21.5 इंच है। इसमें मैंने फोम का यूज़ नहीं किया है। इसके नीचे लगाने के लिए हम शॉपिंग बैग लेंगे। शॉपिंग बैग को इसी के नाप का काटकर मैंने नीचे रख दिया है। अब हमें चारों साइड से सिलाई चला लेनी है। चारों किनारों पे मैंने सिलाई कर ली है। कपड़े को हमें बीच से फोल्ड करना है। जो 21 इंच वाला भाग है उसमें से हम बीच से फोल्ड करेंगे और जो 17 इंच वाला पार्ट है वहाँ पर हमें प्लेट देनी है। सबसे पहले हमें सेंटर में मार्क कर लेना है। इसके बाद हम दोनों किनारों पे 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। 2.5 इंच पे हमें मार्क करना है। यहाँ भी 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। इसके बाद जो कपड़ा बच रहा है उसमें से हमें लगभग 1.25 इंच या 1.5 इंच की दो छोटी छोटी प्लेट बनानी है। इस तरह कपड़े को फोल्ड करेंगे। जो मार्क हमने किया है वहाँ से फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे और दो प्लेट बना लेंगे। अभी पिन लगा लेंगे। दूसरी साइड भी हमें इसी तरीके से प्लेट बनानी है। बीच में जो 5 इंच का पार्ट है जहाँ हमने 2.5 इंच पे मार्क किया उसे छोड़कर हम किनारे में दो प्लेट बना लेंगे। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि प्लेट बनाने के बाद जो कपड़ा बचेगा वो बराबर होना चाहिए। तो एक बार मेजरमेंट हम करके देख लेंगे। देखिए लगभग 3 इंच यहाँ भी है और दूसरे साइड भी 3 इंच है। दूसरे किनारे में भी हमें बीच में पहले सेंटर पे मार्क कर लेना है, उसके बाद 2.5 इंच पे मार्क करेंगे दोनों साइड और इसे फोल्ड करते हुए हमें दो छोटी छोटी प्लेट बना लेनी है। इस तरीके से दूसरी साइड भी हम दो प्लेट बना लेंगे। अब हम इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। दोनों किनारों पर सिलाई हो गई है। बैग को हमें बीच से फोल्ड करना है। अच्छी तरह से बराबर कर लेंगे और दोनों किनारों पर मैंने एक एक पिन लगा दिया है। अब नीचे की तरफ हमें हल्की सी गोलाई देनी है, तो किसी भी गोल चीज़ से आप इसे गोलाई दे सकते हैं। हल्की सी करीब हमें कॉर्नर से 1.5 इंच पे गोलाई देनी है। इसकी कटिंग कर लेंगे और दूसरे साइड भी हमें गोलाई देते हुए कटिंग कर लेनी है। बैक के लिए हमें स्ट्रैप बनानी है। कपड़ा मैंने लगभग 22 इंच लंबा और 4 इंच चौड़ा लिया है। इसके बीच में जो शॉपिंग बैग का बचा हुआ पार्ट है उसे हम डालेंगे, जिससे बेल्ट थोड़ी और मजबूत हो जाएगी। दोनों साइड से फोल्ड करते हुए फिर बीच में एक बार और फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। इस तरह हमें दो बेल्ट हमें बनानी है। बैग में प्लेट देने के कारण ऊपर का जो पार्ट है वो कम चौड़ा हो गया है। उसकी चौड़ाई को हमें मेजरमेंट कर लेना है और उसी के नाप से हमें स्ट्रिप काटनी है। स्ट्रिप मैंने लगभग 3 इंच चौड़ी रखी है। साइड से थोड़ी ज़्यादा है, बाद में इसकी कटिंग करेंगे। एक स्ट्रिप को हमें लेना है और सेंटर पर मैंने मार्क किया है। स्ट्रिप करीब 3 इंच चौड़ी है। दोनों साइड से मैंने 3-3 इंच पर मार्क किया है। इसके ऊपर हमें बेल्ट को रखना है, जहाँ हमने मार्क किया है उसके ठीक ऊपर रखेंगे और दूसरी जो स्ट्रिप हमने काटी है उसको भी ऊपर रखेंगे और यहाँ हमें किनारे पे सिलाई कर लेनी है। इसे थोड़ा थिक बनाने के लिए मैंने शॉपिंग बैग में से एक पीस काटा है और इसके ऊपर रखकर सिलेंगे। इसकी सिलाई हो गई है।
अब दोनों साइड ग्रीन स्ट्रिप को रखते हुए हमें ऊपर से टॉप स्टिच चला लेनी है। इस तरीके से मैंने टॉप स्टिच चला ली है। अब बैग में इसे हमें लगाना है। जहाँ पे हमने प्लीट दी है वहाँ पे इसे रखना है और सिलाई करेंगे। इसे मैंने पीछे की साइड से सिला है, पीछे की साइड से मैंने रखकर इसे सिलाई कर ली है। अब सामने की तरफ हमें दूसरी जो ग्रीन स्ट्रिप है उसे लाना है और फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। दूसरे साइड भी हमें इसी तरीके से करना है। यहाँ भी मैंने पीछे से स्ट्रिप को रखकर सिलाई की है और आगे की तरफ इसे रखते हुए फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। स्ट्रिप लग गई है। अब हमें एक जिप लेनी है। आप इस बैग को बिना जिप के भी बना सकते हैं। स्ट्रिप के किनारे पे हमें जिप को रखना है और सिलाई कर लेंगे। बैग के दूसरे भाग में जिप को लगाने के लिए जिप को बीच से खोल लीजिए और जिप के ऊपर बैग को रखते हुए सिलाई कर लेंगे। जिप लग गई है। अब हमें बैग को उल्टा करना है। अच्छी तरह से बराबर करके स्ट्रैप को अंदर कर लेंगे। जिप को बंद करके दोनों किनारों पे हमें सिलाई कर लेनी है। दूसरी साइड भी सिल लेंगे। बैक का बेस बनाने के लिए साइड सिलाई को हमें इस तरीके से बीच में लाना है और थोड़ा सा कपड़ा हमें नीचे से सिल लेना है। तो लगभग आधा या एक इंच आप सिल सकते हैं बेस के लिए। जितना भी बड़ा बेस बनाना चाहते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आपको, ये मैंने एक इंच से थोड़ा कम लिया है, मार्किंग करके इसके ऊपर सिलाई करेंगे तो इस तरीके से बेस बन जाएगा। नीचे से बैग की चौड़ाई हो जाएगी और उसमें हम ज़्यादा सामान रख सकेंगे। तो देखिए बैग का बेस बन गया है। अब बैग को सीधा कर लेंगे। तो देखिए कितनी जल्दी सुंदर सा बैग बनकर तैयार हो गया है। बिना फोम और लाइनिंग के हमने बेकार पड़े हुए शॉपिंग बैग से ये बैग बना लिया है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।